तो मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपका। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इसको हम 2 सेकंड में कैसे उड़ा सकते हैं वो देखते हैं। 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक और बी को सी से 80 रुपए अधिक। वो ये कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक और बी को सी से 80 रुपए अधिक। तो ए और बी के और बी और सी के जो अमाउंट का जो अंतर है उनका अनुपात 7 और 8 है। भाई इसका और इसके अंतर का अनुपात 7 और 8, जिस भी अनुपात में इनके अंतर का अनुपात 7 और 8 दिख गया वही आंसर। देखो यहाँ साफ साफ चमक रहा है इसका ये 7 और ये 8, तुरंत आंसर ठोक दो डी ऑप्शन में है। पूरा कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लग जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप चुटकियों में ठोक सकते हो कि ए और बी का अंतर 50, बी और सी का अंतर 40, इनके अंतर का अनुपात 5 और 4, ए और बी, बी और सी के अंतर का अनुपात 5 और 4 जिस भी ऑप्शन में हो वो आप तुरंत लगा सकते हो। इन्हीं ऑप्शन में अंतर 5 और 4 है, बाकी किसी ऑप्शन में 5 और 4 का अनुपात नहीं है। डी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ऐसी ही लॉजिक्स जानने के लिए जुड़िएगा एग्जामपुर से। धन्यवाद। खत्म। एक और कर देना, दो लिंक देना।